हेलो डॉक्टर। हेलो, बताइए क्या परेशानी है आपकी। डॉक्टर, मेरी पिछले साल ही शादी हुई है और मेरी लाइफ पूरी तरह से हेल्दी है, बट कुछ 2-3 मंथ से मेरे पीरियड्स इरेगुलर हैं। ओके। और एक महीने में 3 बार पीरियड्स हो रहे हैं और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या आपने किसी गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया? दिखाया था डॉक्टर, पहली बार में दिखाया था, बट उन्होंने कहा कि हार्मोनल इम्बैलेंस है और कुछ मेडिसिन दिए। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा मेडिसिन से? नहीं डॉक्टर, ब्लीडिंग तो वैसी की मतलब जैसी की वैसी है, इसलिए आपके पास आई हूँ। देखिए, महिलाओं में पीरियड्स प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक रहता है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो पीरियड्स के दौरान आपके यूट्रस से लाइनिंग निकल जाती है। महिलाओं में आमतौर पर 24 से 35 दिनों में पीरियड्स एक बार होता है, लेकिन अगर आपको 24 दिनों के अंदर 2 बार या 2 से ज़्यादा बार हो रहा है तो इसे हम इरेगुलर पीरियड्स बोलते हैं। डॉक्टर, इसकी क्या वजह हो सकती है? ऐसा होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपके डॉक्टर ने बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सबसे बड़ी वजह है। और अगर अचानक से आपके वजन में बदलाव आने लगे, जैसे कि बढ़ जाए या फिर कम होने लगे, तो भी आपके हार्मोन लेवल में बदलाव आने लगते हैं जो आपके पीरियड्स पर इफेक्ट करते हैं। डॉक्टर, मेरा वजन तो कुछ खास बढ़ा नहीं है, 1-2 किलो बढ़ा होगा। वजन बढ़ना या कम होना ही इसकी एक वजह नहीं है, बल्कि हार्मोनल इम्बैलेंस की कई और वजहें भी हो सकती हैं। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अगर एक्सरसाइज कर रही हैं, या फिर आपका घर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है, क्योंकि वो भी किसी एक्सरसाइज से कम नहीं होता है, तो उससे भी हार्मोन्स के लेवल में बदलाव आ सकते हैं। और भी कोई रीजन है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस। आपके किसी फैमिली मैटर की वजह से अगर आपको स्ट्रेस है, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या किसी झगड़े की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो आपके दिमाग में स्ट्रेस भर देते हैं और इसकी वजह से भी आपके पीरियड्स पर असर पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आपके यूट्रस की लाइनिंग मोटी हो जाएगी, जो आपके हैवी ब्लीडिंग का रीज़न बन सकती है। और अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं तो वो भी आपके पीरियड्स पर असर कर सकती है। बट कुछ और भी गंभीर रीज़न हो सकते हैं। अगर आपके यूट्रस में पॉलिप्स, सिस्ट, फाइब्रॉइड या फिर ट्यूमर हो जाए तो आपको जल्द से जल्द जाकर डॉक्टर से चेकअप कराना होगा, क्योंकि कभी कभी ये ट्यूमर कैंसर का रूप ले लेते हैं और फिर आप STI को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी तरीके की STI हो जाती है तो भी आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, जिसे आमतौर पर महिलाएं पीरियड्स की ब्लीडिंग मान लेती हैं। तो इसका इलाज क्या है डॉक्टर? देखिए, अगर आपकी ब्लीडिंग स्ट्रेस की वजह से है या फिर वेट बढ़ने की वजह से है या फिर किसी दवाइयों की वजह से है, तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टेम्परेरी होती है और ये खुद पर खुद ठीक हो जाएगी। और दूसरे रीज़न को रूल आउट करने के लिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट से आपको पेल्विक जांच करानी होगी। इसके अलावा वो डॉक्टर आपके यूट्रस की लाइनिंग के कुछ सैंपल लेंगे टेस्ट के लिए और अल्ट्रासाउंड करेंगे। अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड या फिर ट्यूमर नहीं है तो आपको इलाज की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर फाइब्रॉइड या फिर ट्यूमर होता है या इसके अलावा कुछ और होता है तो आपको सर्जरी के लिए सजेस्ट किया जाएगा। और अगर कैंसर की स्थिति होती है तो उस स्थिति में आपको कैंसर स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया जाएगा। हाँ, अगर आपको STI है तो किस तरीके का STI है ये जानने के बाद आपको मेडिसिन दिए जाएंगे। देखिए, बहुत कम केस में हार्मोन ट्रीटमेंट दिया जाता है, जब महिला 40 उम्र के आसपास हो तब। आप आज ही जाकर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से फुल चेकअप करा लें। लेकिन जब नॉर्मल टाइम होता है तो एकदम छोटा हो जाता है और बॉडी के अंदर चला जाता है। मुझे उसे बार बार खींच बाहर करना पड़ता है, मैं अनकंफर्टेबल से महसूस करता हूँ। जब मैं मॉल या ऑफिस के टॉयलेट में जाता हूँ तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। देखिए, आपकी इस प्रॉब्लम को बोलते हैं टर्टलिंग ऑफ पेनिस, मतलब जैसे एक कछुआ अपनी गर्दन को अपनी बॉडी के अंदर खींच लेता है, उसी तरीके से किसी प्रॉब्लम की वजह से पेनिस भी बॉडी के अंदर रिट्रैक्ट हो जाता है जब वो ढीला होता है।
पर ऐसा होने की क्या वजह है डॉक्टर? जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।